बहादुर शाह जफर ने देश की आजादी के लिए अपने बेटों के सर कटवा लिए, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं की। जब उनकी औलाद के कटे हुए सरों को उनके सामने लाया गया, पहले उन्होंने अपने बेटों के कटे हुए सरों को चूमा और फिर फख्र के साथ कहा था, भारत के बेटे ऐसे ही कामयाब होकर बाप के सामने आते हैं। इस हद तक बहादुर शाह जफर ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, तभी तो जनता उन्हें दिलो जान से चाहती थी और उनके हर संदेश को मोहब्बत की निगाह से देखती थी। 1857 ईस्वी की जंग आजादी में जनता के नाम एक संदेश में कहा था, ऐ हिंदुस्तान के बेटो, अगर हम इरादा कर ले तो पल भर में दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं और अपनी जान से भी ज्यादा महबूब अपने धर्म और देश को दुश्मनों की यालगार से बचा सकते हैं। इस संदेश ने जनता के दिलों को गर्म कर दिया और इतना असर डाला कि वो नंगी तलवारें लेकर मैदान जंग में कूद पड़े और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। दिल्ली का चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देता है कि इस जंग में अंग्रेजों की हवा निकल गई और बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। जो बच गए थे वहाँ से भाग जाने को ही बेहतर समझा और वहाँ से भाग निकले।